नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अब दोस्तों, ये 16 जून का 2018 करंट अफेयर का टॉपिक है। हमारे इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं इस पर, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं, आप हमारे चैनल पर अगर न्यू विजिटर है, अगर आपने हमारा ए टू जेड स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दें ताकि आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहें। हम तो करंट अफेयर पढ़ते रहते हैं। इसके अलावा अगर आपको जीके जीएस चाहिए या फिर वोकैब और जैसे साइनोनिम वर्ड बैंक, इंग्लिश ग्रामर के रूल्स एंड मैथ्स के रूल्स जो भी हैं, वो सारे हमारे आप प्ले लिस्ट में जाके सारे देख सकते हो या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की नोटिफिकेशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहला हमारा है, एससीओ बैठक में किस देश ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से गुजरने वाली चीन की परियोजना वन बेल्ट वन रोड परियोजना का समर्थन नहीं किया, तो वो कौन सा देश है दोस्तों? तो हमारा आंसर यहाँ पर भारत। इससे हमारा एक और क्वेश्चन बनता है, अगर ये क्वेश्चन इस टाइप से नहीं आया कि किस देश ने इस परियोजना में समर्थन नहीं किया, तो इसका क्वेश्चन एक बन सकता है आपका कि वन बेल्ट वन रोड परियोजना किस देश द्वारा चलाई जा रही है। तो आपको तो पता चल जाएगा कि किसके द्वारा है, ये चीन की एक परियोजना है। चलिए अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है, G7 ने सम्मेलन के दौरान शरणार्थियों समेत महिलाओं और लड़कियों की सहायता व शिक्षा के लिए कितना खर्च करने की घोषित की है, मतलब घोषणा की है, सॉरी। तो इसमें टोटल आपका है $3 बिलियन। G7 के द्वारा कितना किया गया है शरणार्थियों और महिलाओं और समय क्या बोलते हैं लड़कियों की सहायता और शिक्षा के लिए, तो $3 बिलियन रुपए खर्च कर रहे हैं वो। दोस्तों, करंट अफेयर ये ऐसा एक लगता है टॉपिक है कि जिससे हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस एक दो बार देखते रहने की पड़ती है जरूरत, ठीक है, जिससे आप रटने की कोशिश मत करना हमारा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री ने अब तक कितने गोल दागकर अर्जेंटीना के लियोनल मेसी, जो कि एक वहाँ के एक फुटबॉलर हैं, महिला फुटबॉलर हैं, के रिकॉर्ड की बराबरी की है। मतलब जो सुनील छेत्री हैं, अब तक का जो भारतीय फुटबॉलर है, उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया अर्जेंटीना के लियोनल मेसी के रिकॉर्ड के बराबर। कितने गोल दागकर? तो 64। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट देखते हैं हम। केंद्र सरकार ने किन्हें संघ लोक सेवा आयोग UPSC जिसे बोलते हैं का कार्यवाहक चेयरमैन नियुक्त किया? कहने का मतलब, केंद्र सरकार द्वारा अभी जो हाल फिलहाल में UPSC का कौन चेयरमैन जो नियुक्त हुए उनका नाम क्या है? तो अरविंद सक्सेना। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक करंट अफेयर का है, अरविंद सक्सेना, ये नाम को मत भूलिएगा, जो कि फिलहाल UPSC के चेयरमैन नियुक्त हो चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तेलंगाना की वह छात्रा जो मात्र 16 साल की उम्र में बीटेक की पढ़ाई पूरी करके राज्य की सबसे कम उम्र की महिला इंजीनियर बन चुकी है, तो ये दोस्तों ये है काशी भट्ट संहिता, ये भी इम्पॉर्टेंट है। पहले आप ये इसको देखो, ये जो लड़की है 16 साल की उम्र में जो कि तेलंगाना की है, बीटेक की पढ़ाई पूरी कर चुकी है और पूरी तेलंगाना की सबसे कम उम्र की महिला इंजीनियर बन चुकी है, कौन? काशी भट्ट संहिता। नेक्स्ट देखते हैं हम, केंद्र सरकार ने किन्हें केंद्रीय सतर्कता आयोग का प्रमुख नियुक्त किया है? तो शरद कुमार। यहाँ हमने दो नियुक्ति की बात की, पहला UPSC और दूसरा यहाँ केंद्रीय सतर्कता आयोग का प्रमुख नियुक्त किया है शरद कुमार। इसके बाद दोस्तों, मैं फिर कभी आपको पूरी जिसके कौन हेड मतलब कहने का मतलब किस सारे सर्विसेज का कौन हेड है, मैं उसका एक वीडियो बना दूंगा। तब तक नेक्स्ट देखते हैं हम, वह देश जिसमें वर्ष 2018 का G7 सम्मेलन आयोजित किया जाएगा वो कौन है? तो कनाडा है। तो अभी G7 को आप पीछे भी हमने देखा है जो कि चाइना से रिलेटेड था, तो उसके परियोजना के बारे में, लेकिन यहाँ क्या है कि ये जो G7 2018 का सम्मेलन है वो किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कनाडा। हमारा नेक्स्ट है, वह पद जिसके लिए केंद्र सरकार ने UPSC द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा की अपेक्षा सीधी भर्ती हेतु अधिसूचना जारी की है, ये IAS अधिकारी। यह IAS अधिकारी को जो UPSC की परीक्षा द्वारा, कहने का मतलब ये जो UPSC से हटा के इसकी डायरेक्ट एग्ज़ाम के बाद ही बात हो रही है, किसी UPSC बोर्ड से हटा के IAS का एक अलग से डायरेक्ट परीक्षा लिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड स्पीड्स द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017 में हुई हिंसा से भारत में GDP को कितना प्रतिशत की हानि हुई है? ये 9%। फिलहाल तो आपका भारत में GDP इसका लगातार बढ़ रहा था,
लीजन इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी हुए आंकड़ों के अनुसार 2017 में जो हिंसा हुई है उसके अनुसार जीडीपी को लॉस हुआ है कितना का 9% का, 9%, जिसको हिंदी समझ में नहीं आता उसके लिए मैं। फिर नेक्स्ट हमारा, वह खिलाड़ी जिसने फ्रेंच ओपन टेनिस खिताब जीता है अब ये राफेल नडाल। ये जो स्पोर्ट्स का क्वेश्चन, जो स्पोर्ट्स का क्वेश्चन जो रिलेटेड है वो तो बहुत ज़्यादा एग्जाम इसमें पूछे जा रहे हैं, फिर किसी भी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं डायरेक्ट आपको कि वो, फिर से आप देख ले ये खिलाड़ी कौन से जो फ्रेंच ओपन टेनिस खिताब जीते हैं फिलहाल, वह राफेल नडाल हैं। नेक्स्ट हमारा है, भारत ने जिस देश को हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल खिताब 2018 जीता है वो केन्या। ये तो ये पिछला है, ये 14 जून का है, आपका 16 जून का वहीं तक था, ये सारा तो आपने देख लिया होगा। चलिए दोस्तों ये हमारा इतना ही था, और अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद है तो लाइक कर दें, एडुजेट स्टडी यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।